आज हम आपके साथ कटहल की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये वीगन्स में बहुत ही पॉपुलर सब्जी है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इसका टेस्ट मीट जैसा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साफ कैसे करते हैं, काटते कैसे हैं और फिर रेसिपी शेयर करते हैं। अब हम शुरू करेंगे इसको काटना। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतारेंगे। आपको इसके लिए एक मजबूत चाकू चाहिए होगा। कच्चा जो कटहल है हम घर पे इसकी सब्जी बनाते हैं और मैंने सुना है कि कई लोग इसको पकाकर एज फ्रूट खाते हैं। आप जब ये काटेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से ये कुछ स्टिकी सा निकलता है, ये वाइट ये छोड़ना शुरू कर देता है जैसे इसका छिलका उतरता है, तो आपके हाथों में ये चिपकना शुरू हो जाता है और जिसके कारण इसे काटने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। तो आप अपने हाथ में और चाहे तो कटहल पे नींबू लगा सकते हैं, नींबू का जूस मल सकते हैं इसको, या मैं इसमें सरसों का जो तेल है वो भी यूज़ करती हूँ। तो आप हाथ पे अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा लीजिए और साथ साथ में सरसों का जो तेल है वो कटहल पे भी लगाते जाएंगे। अब हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया क्योंकि उससे इसका छिलका उतारना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं ये सारा छिलका उतारती हूँ और आपको बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे होगी। अब हमने इसका छिलका उतार लिया है और फिर उसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब हम जो हमने टुकड़े किए हैं कटहल के उसको हम फ्राई कर लेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं। हम जनरली सरसों का तेल यूज़ करते हैं, उसी में मैं खाना बनाती हूँ और उसी में मैं फ्राइंग भी करती हूँ। अभी अच्छी तरह से कटहल तला गया है, आप देख रहे होंगे कि ये ब्राउन हो गया है। तो चलिए अब इसकी हम सब्जी बनाते हैं। अब हमने कढ़ाई में तेल डालना है, फिर हम डालेंगे लाल सूखी मिर्च। जब उसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम डालेंगे साबुत जीरा। मैंने लगभग 3 सूखी लाल मिर्च ली है और जीरा लगभग मैंने 1 चम्मच छोटा चम्मच लिया है। अब ये भून गया है, इसमें से खुशबू आने लग गई है जीरे में से। अब हम इसमें हमने कटा हुआ ये प्याज रखा है, लंबा लंबा काटा हुआ है ऑलरेडी, तो अब हम इस मसाले में डाल देंगे। हमें थोड़ा सा प्याज भूनना है, थोड़ा जैसे पिंक कलर का हो जाता है प्याज तब तक हम इसे भून लेंगे। अब ये प्याज भून चुके हैं। अब हमने इसमें जो टमाटर है उसको हमने मिक्सी में ब्लेंड कर उसकी ये सॉस सी बना ली है। अब हम उसको ये भुने हुए जो प्याज है उसमें डालेंगे। हमने लगभग 3 से 4 प्याज लिए हैं और हमने 3 से 4 ही टमाटर लिए हैं और टमाटर को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसको 10-15 मिनट भुनेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये भुना हुआ मसाला कैसा लगता है। तो अब ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं तो अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं गरम मसाला। उसके बाद हम डालेंगे ये धनिया है, सूखा धनिया पाउडर, और तेगी मिर्च डाल रहे हैं हम 1 चम्मच। आप सूखे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे नमक। अब ये मसाले में हम डालेंगे जो हमने फ्राई किया हुआ ये कटहल है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और कम से कम 5-10 मिनट तक आप इसको रहने दीजिए हल्की आंच पे ताकि अच्छी तरह से मसाला कटहल में मिल जाए। अब ये कटहल आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसको सर्व करने के लिए बोल में डालेंगे। अब मैंने ये कटहल को एक बोल में निकाल लिया सर्व करने के लिए। मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ और ये रेडी है। इसको आप गरम गरम फुलके के साथ सर्व करिए, चावल के साथ सर्व करिए और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है। आई होप ये आप रेसिपी ट्राई करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लगी, या आपके पास कोई टिप है मेरे लिए तो वो भी प्लीज़ शेयर करिए कमेंट्स में, और आप अगर किसी अलग तरीके से बनाते हैं तो वो भी मैं जानना चाहूँगी। थैंक यू।